हाय एवरीवन मैं हूं हूँ शिफालिकर्दवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कंपोजिशन डीलर्स की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम और वो है निगेटिव लाइबिलिटी की जिसकी वजह से वो लोग अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हैं अब रिटर्न की रेड तो ऑलरेडी चली गई तो काफ़ी लोगों ने सिर्फ कैश लेजर में डिपॉजिट करके छोड़ दिया अमाउंट कुछ लोगों ने नहीं फाइल किया अब सवाल पैदा ही होता है तो कि इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या हो सकती है और इसका आखिरकार हम करें क्या सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि समस्या पैदा कहाँ से हो रही है तो जब इस साल के जी एस टी आर फोर हम लोगों ने फाइल की थी तो उसमें टेबल नंबर सिक्स काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स ने उसको ब्लैंक छोड़ दिया अब इसमें हुआ ये कि वो आउटवर्ड सप्लाई वहाँ पर होती थी रेट वाइज इन्वर्ट भी होती थी जहाँ पर आपने आर सी एम पे किया है तो उस आउटवर्ड सप्लाई को उसने निल मान के और जितना आपने पहले टैक्स पे किया था उसकी आपकी रिवर्स लाइबिलिटी खड़ी कर दी यानी कि उसके हिसाब से तो उतनी अमाउंट आपकी ज़्यादा पे हो रखी है तो अब जब इस क्वार्टर की रिटर्न हम लोग फाइल कर रहे हैं तो उसमें जो हमारा टैक्स पेबल है वो उसके लिए चलानी नहीं क्रिएट करता क्योंकि वो टैक्स पेबल मानता ही नहीं उसको तो मानता है कि आपका ऑलरेडी पेड है ये तो इसके कारण बहुत सारे टैक्स पेयर अपनी सही लाइबिलिटी डिक्लेयर करके अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे थे अब ये जी की एक और प्रॉब्लम है क्योंकि बाकी जो एन वो रिटर्न फाइल होती है उसमें कहीं भी, भी इस तरीके की लिंकिंग नहीं है और उन्होंने कभी ये क्लियर किया भी नहीं कि इसको इस तरीके से लिंक किया जाएगा और जब इतने सारे लोगों ने इसको बिल्कुल ब्लैंक छोड़ा था तो भी उन्होंने एक बार ट्राई करने की कोशिश नहीं की कि ऐसा कैसे हो सकता है कि साल भर बंदा क्वार्टरली रिटर्न फाइल करके अपना टैक्स डिपॉजिट करता रहा अपनी टर्न दिखाता रहा और अब अचानक से साल के एंड में वो अपनी ब्लैंक छोड़ रहा है टेबल तो डेफ़िनेटली तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो अब जो हो गया वो तो हो ही गया तो इसके लिए क्या वे आउट हो सकते हैं क्योंकि अब जी पोर्टल पे तो इसका कोई वे आउट अवेलेबल हमारे पास है नहीं तो इसके पॉसिबल दो तीन आउटकम हो सकते थे एक तो ये कि हम लोग कैश और जो लेजर है कैश लेजर के अंदर उतनी ही लाइबिलिटी डिपॉजिट करके छोड़ दें और यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हम जो अपने ज्यूजिक्शनल ऑफिसर हैं उनको रिटर्न में पूरी बात लिख के बताएं कि भाई हमारा ऐसे ऐसे है इसलिए हम लोग नहीं पे कर पा रहे थे तो हमने यहाँ पे कैश लेजर में उसको डिपॉजिट करके छोड़ दिया लेकिन ये कोई सही वे आउट नहीं है क्योंकि इसका रीजन ये है कि कैश लेजर के अंदर जो हम डिपॉजिट करते हैं एक्चुअली वो लाइबिलिटी के साथ एडजस्टमेंट उसको नहीं माना जाता तो आप कैश लेजर में कुछ भी डिपॉजिट रखो तो आप कल विड्रॉ कर सकते हो रिफंड ले सकते हो तो वो कि आपने अप्रोप्रिएशन तो उसका किया नहीं अगेंस्ट एनी टैक्स लाइबिलिटी तो वो उतनी करेक्ट नहीं है ये वाला जो वे आउट है फिर दूसरा तरीका ये था कि हम लोग उसको डी आर के द्वारा पे कर दें अब डी तो है ही वैलेंट्री पेमेंट का यानी कि जहाँ पर मैं खुद डिक्लेयर करती हूँ कि अच्छा मेरी कोई टैक्स लाइबिलिटी है और उसका मैं खुद अपने आप से संज्ञान लेके पेमेंट कर रही दूँ तो उस केस में हम लोग उसको पे कर सकते थे तीसरा ही तरीका था, था कि जो हमारी टर्न है हम उसकी अमाउंट और टैक्स पेबल की अमाउंट को इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें कि जो हमारी एक्चुअल लाइबिलिटी है वो खड़ी हो जाए और हमारा चलान क्रिएट होकर हमारी जो रिटर्न है वो फाइल हो जाए अब ये तरीका भी देखा जाए तो उतना परफेक्ट नहीं है क्योंकि मैं फिर से एक मिस रिपोर्टिंग को छुपाने के लिए एक और मिस रिपोर्टिंग हमें करनी पड़ रही है और जब हमारा साल खत्म होगा तो ये फिगर जो ऑटोमेटिकली फिर जी एस के अंदर जाएगी तो उसमें एक और फिगर ऐड हो जाएगी अब क्योंकि टैक्स तो हमने उतना पे किया नहीं है एक्चुअल में इस साल दोबारा थोड़ी हमने टैक्स पे किया हो तो हम बस ऐसे बढ़ा के लिख रहे हैं क्योंकि हमारी नेगेटिव लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है तो मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि जी इसका कुछ ना कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे पहली चीज़ ये और दूसरी चीज़ ये कि डिपार्टमेंट को इस तरीके से जो लेट हो गई रिटर्न या जो सही तरीके से नहीं फाइल हो पाई हैं उन पर किसी भी तरह का कोई पैनल एक्शन या लेट फीस नहीं लगाई जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें टैक्स पेयर की गलती नहीं है एक मिसकम्युनिकेशन है और उनको ये पता भी नहीं था कि जी ने उसको इस तरीके से मैप कर दिया है तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है बाकी इन जितने भी तरीक़े मैंने भी डिस्कस किए इसमें जो मुझे लगता है कि डी आर सी थ्री का जो पेमेंट है वो सबसे अप्रोप्रिएट तरीका है क्योंकि डी आर सी थ्री है इसलिए कि मैं एक सेल्फ़ डिक्लेरेशन दे सकूँ तो वो रिटर्न में जैसे हम सेल्फ डिक्लेरेशन देते हैं लगभग उसी के इक्विवेलेंट है साथ ही आप इनमें से कोई भी तरीका अपनाते हैं तो आप उसके लिए एक लेटर ज़रूर लिखें और ऐसे एक लेटर का जो ड्राफ्ट है वो मैंने अभी एक जो अपना आर्टिकल पोस्ट किया मैंने कंसल्टीज डॉट कॉम हमारी वेबसाइट पर उसमें मैंने बायदा वो ड्राफ्ट बना भी रखा है आप उस आर्टिकल से जाके उस ड्राफ्ट को वहाँ से देख के आ, उसको यूज़ कर सकते हैं आप सब लोग उसको यूज़ कर सकते हैं और अपने जो ड्यूजिक्शनल ऑफिसर हैं उनको ये चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर ऐसे ऐसी प्रॉब्लम थी इसलिए हम पे नहीं कर पा रहे थे तो हमने अब पे कर दिया है तो आप प्लीज़ कोई भी फ्यूचर में किसी तरह का कोई पैनल इलेक्शन या इसको कोई मिस यू नो वो नहीं माना जाए कि हमने कोई अपना मतलब स्किप कर दिया रिटर्न फाइलिंग अपना टैक्स पे नहीं किया ऐसा कोई भी पैनल इलेक्शन उसके अगेंस्ट नहीं लिया जाए जो लिंक है उस आर्टिकल का वो इस पोस्ट के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है बाकी आप अगर चाहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम लोग पोस्ट करते हैं, वो आप तक पहुँचे तो आप हमारी साइट पर जाके नोटिफिकेशन अलाउ कर सकते हैं तो आपको खुद डेस्कटॉप नोटिफिकेशन भी वहाँ से आ जाएगा ताकि आपको जो इफॉर्मेशन है वो क्विकली रिसीव हो सके आपके ख़ुद के डेस्कटॉप पे तो इसी के साथ ही वीडियो में क्लोज़ कर रही हूँ थैंक यू सो मच